हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे लोग ये जानते होंगे कि अगर आपकी यूट्यूब वीडियो पे कोई भी कमेंट करता है तो आपको जो कमेंट अच्छा लगता है आप उस कमेंट को कैसे पिन कर सकते हैं। लेकिन आप में से ये बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि आप अपनी वीडियो में अपने कमेंट को कैसे पिन कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसके बाद आपके चैनल के ऊपर एड्स चलने लगती हैं। तो अगर आप अपनी वीडियो को खुद देखोगे, उस पर कमेंट करोगे देख के, तो उस पर एड्स चलेंगी जो आपकी इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी मानी जाएगी, जिससे आपके एडसेंस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप अपनी वीडियो पे अपने ही कमेंट को कैसे पिन कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले आपको YT स्टूडियो की जो ये एप्लीकेशन दिख रही है इसको ओपन कर लेना है, और इसमें यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपको वीडियो वाले सेक्शन को ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी वीडियो आ जाएंगी चैनल की। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, जैसे ये वाली वीडियो है, ठीक है, पेटीएम वैलेट वाली, इस पर क्लिक करना है वीडियो पर, और हमें ये पेंसिल का जो ये बटन दिख रहा है ऊपर, इस वाले बटन पर क्लिक करना है, एडिट वाला है जो, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करा तो ये वाला पेज ओपन हो गया। आप देख सकते हैं, इसे स्क्रॉल डाउन करना है आपको, और यहाँ पे ये मोनेटाइजेशन ऑन लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से जो आपका ये मोनेटाइजेशन ऑन है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से इसे ऑफ़ कर देना है। ठीक है, ऑफ़ पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया है। अब यहाँ पर हमें बैक आ जाना है, ठीक है, यहाँ से सेव कर देना है, ऊपर ये सेव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके हम सेव कर देंगे। जैसे हम इसी वीडियो पे, मैं आपको कमेंट करके दिखाऊंगा, इसलिए मैंने इसका मोनेटाइजेशन आपको पहले ऑफ करना है, उसके बाद हम इस पर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान रखना है आपको, ये कौन सी वीडियो है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक कर देना है और अपने यूट्यूब चैनल के अंदर जाना है, जहाँ पे आपका YouTube एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेना है हमें। ये हमने ओपन कर लिया है, उसके बाद हमें ऊपर ये अपना आइकन दिखाई दे रहा होगा, जो भी आपका लोगो होगा चैनल का, आपको इसमें लॉगिन तो हो ही रखा होगा आपका चैनल भी। ठीक है, यहाँ से यूअर चैनल पे क्लिक करना है। यूअर चैनल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी अपलोड्स आ जाएंगी। तो हमने इस वीडियो में मोनेटाइजेशन ऑफ किया था, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये चलने लग जाएंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्स नहीं आ रही हैं, क्योंकि मैंने इसका मोनेटाइजेशन जो है वो ऑफ़ कर दिया है। इसको रोक देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप कमेंट्स देख पा रहे होंगे, कमेंट्स का सेक्शन है यहाँ पे, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड ए पब्लिक कमेंट, तो यहाँ पे आपको आप खुद से कोई कमेंट कर देना है, कोई इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे आप पिन करना चाहते हैं वो यहाँ पे पिन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ फॉलो मी ऑन इंस्टा, ऑल्सो ओके कर देता हूँ, यहाँ से सेंड हो गया ये। उसके बाद ये कमेंट एडिड हो गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कमेंट शो हो रहा है आपको, फॉलो मी ऑन इंस्टा ऑल्सो। उसके बाद आपको ये साइड में 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपको ये पिन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे पिन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे ये आपको बोल रहा है कि अगर आपने किसी ऑलरेडी किसी कमेंट को पिन किया हुआ है तो उससे पिन हट जाएगा और इस वाले कमेंट पे लग जाएगा। तो मैंने अभी इसमें किसी को भी पिन नहीं किया, तो यहाँ पे पिन कर देता हूँ, पिन पे क्लिक कर देंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन्ड बाय मेरे चैनल का नाम आ गया है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी वीडियो में अपने कमेंट को पिन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये पिन तो हो गया, अब यहाँ से बैक जाके आप उसका मोनेटाइजेशन फिर से ऑन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो में सिर्फ 2 मिनट में ही अपने कमेंट को पिन कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।